Now again next C program based on number system conversion. इस केस में जस्ट परफॉर्म कराना है binary to octal conversions. Binary to octal conversion के केस में जनरली देखा जाए तो binary to octal directly भी conversion possible, लेकिन programming के केसेस में directly आप binary to octal conversion परफॉर्म कराते हैं. इस केस में कई सारे string operations परफॉर्म होते हैं. इस केस में directly binary to octal conversion परफॉर्म ना करके simply इस केस में परफॉर्म क्या कराऊंगा, अगर आपके पास कोई भी binary number available है in the form of base 2, सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन डेसिमल मींस बेस 10. डेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म होने के जस्ट बाद सेम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किसमें करा लेंगे, इक्विवेलेंट बेस 8. तो इस केस में जनरली कन्वर्जन टू स्टेप्स में कंप्लीट होगा. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बाइनरी टू डेसिमल. सेकेंड स्टेप इज डेसिमल टू ऑक्टल. क्लियर, फर्स्ट केस बाइनरी टू डेसिमल एंड सेकंड केस डेसिमल टू ऑक्टल. तो किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का वीडियो जस्ट मैंने आपको प्रीवियस सेशन में प्रोवाइड किया था, जस्ट इसके प्रीवियस सेशन में प्रोवाइड किया था, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. इस पर्टिकुलर पार्ट को आप प्रीवियस सेशन से वॉच कर सकते हो, जस्ट मैं कंटिन्यू करूंगा फ्रॉम दैट प्लेस ऑनवर्ड. ओनली इस केस में एक्सप्लेन करूं हाउ टू कन्वर्टिंग एनी डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट ऑक्टल कन्वर्जन. अगर आपको याद हो तो दोनों ही कन्वर्जन में आपको टू सेपरेट वीडियोज में प्रोवाइड कर चुका हूं, जस्ट इन दोनों वीडियोज को मुझे कंबाइन करना है इन गिवन केस. इस पर्टिकुलर केस में अगर बाइनरी नंबर की बात करें, बाइनरी नंबर को सप्लाई करेंगे इनपुट प्लस रिजल्ट किस फॉर्म में आना चाहिए, ऑक्टल फॉर्मेट हो. तो बाइनरी इनपुट से सप्लाई किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मींस एरे ऑफ कैरेक्टर. प्लस रिजल्ट को भी मैं स्टोर कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, अगेन एरे ऑफ कैरेक्टर. तो इस केस में इनपुट क्या है स्ट्रिंग, और आउटपुट भी किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में. तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे, कैर स्टार. फंक्शन नेम इज परफॉर्म क्या, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी बिन टू ऑक्ट. देन आर्ग्यूमेंट में सप्लाई किया हुआ ऑल्सो कैरेक्टर एरे, लेकिन कैरेक्टर एरे क्या है, अपने आप में रिप्रेजेंट क्या करेगा, बाइनरी डिजिट्स मींस बिन. क्लियर, देन इस केस में रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए एक और एरे क्रिएट करना होगा. इस केस में एरे का टाइप यूज करना है स्टैटिक. एरे का टाइप क्या है इस केस में, कैर. देन स्टोर क्या कराना है, जस्ट ऑक्टल डिजिट्स. ऑक्टल डिजिट्स के केस में अगेन मैंने यूज किया सब मैक्सिमम साइज है 20, आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो. इस केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आसान हो जाए, सभी प्लेसेस पर जीरो और वी कैन से नल. प्लस सबसे पहले परफॉर्म क्या हो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. तो डेसिमल का भी रिजल्ट आपको स्टोर कराना हुआ, डेसिमल को स्टोर किसमें, डेसिमल को कन्वर्ट किसमें कराएंगे, ऑक्टल में. तो डेसिमल रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए डेसिमल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. डेसिमल वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज क्या करें, जस्ट डेट इनिशियल वैल्यू है जीरो. फिर इस केस में पावर को मैनेज करने की जरूरत होगी, इसलिए यूज क्या करूंगा, वेरिएबल पी प्लस इटरेटिव वेरिएबल. एरे के इंडेक्सिंग के इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे, इटरेटिव वेरिएबल. दीज आर रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशंस. क्लियर, फाइनली सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाय मीन्स बेस टू टू बेस 10 कन्वर्जन. तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था अगर सपोज दैट आपके पास कोई नंबर अवेलेबल है लाइक दैट 1, दिस इज द बाइनरी एरे कैरेक्टर 1, कैरेक्टर अगेन 1, 0 एंड अगेन 1. इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी बाइनरी एरे अवेलेबल है, इस बाइनरी एरे के एलिमेंट्स कन्वर्ट किसमें कराना, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल. तो ऑक्टल कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में नेम क्या इसका, बिन. जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, बाइनरी केस में राइट टू लेफ्ट सारे के सारे डिजिट्स को रीड कराओगे, तो सारे के सारे डिजिट्स राइट टू लेफ्ट रीड करने के लिए जस्ट यूज करेंगे इटरेटिव वेरिएबल आई. और आई में आसान क्या कराएंगे, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स. लास्ट किसी भी एरे के अंदर लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, लेंथ माइनस 1. तो जस्ट आई में क्या आसान करा लेंगे, एस टी आर एल ई एन लेंथ ऑफ बाइनरी एरे माइनस 1 प्लस एवरी टाइम. इस केस में जस्ट एक्सप्रेशन क्या हो, सबसे पहले रीड क्या करें इस केस में, डिजिट 1. 1 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, जस्ट एरे का नेम क्या, बिन. इंडेक्स क्या, 3. बिन ऑफ 3, बिन ऑफ 3 में अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 2 दी पावर 0. देन बिन ऑफ 3 के केस में अगर आप डायरेक्टली बिन ऑफ 3 यूज करो, तो इस प्लेस पर क्या है, कैरेक्टर 1. और कैरेक्टर 1 के प्लेस पर कंसिडर होगा आस्की वैल्यू 49, इट इज इक्वल टू 2 दी पावर 0 लाइक दैट. आपको रिक्वायर्ड क्या इस प्लेस पर, 49 और इंटीजर नंबर वन. तो इस केस में डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करा के सबसे पहले जिस डिजिट को आपने रीड किया उस डिजिट को एक्चुअली बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कराने के लिए यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन फ्रॉम आस्की वैल्यू ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय पावर पी. पी के केस में फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हुआ, 1. नेक्स्ट टाइम 1 मीन्स फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या पी के प्लेस पर,
2 the power 0 result is 1. Next and 2 the power 1 which is equivalent to 2. Next and 2 the power 2 equivalent to 4. 2 the power 3 8 and so on. Every time use kya karenge that one. The first time p ke case mein initialization kis se kara denge 1 se. First time p ka initial value kya hoga 1 aur every time फर्स्ट टाइम i के केस में से यहां 3 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे वेरिएबल i तो i के केस में फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा 3 नेक्स्ट टाइम 2 तो इस केस में रिप्रेजेंट किया सेकंड एलिमेंट देन नेक्स्ट टाइम 1 नेक्स्ट टाइम 0 जैसे ही i का वैल्यू -1 होगा देन लूप स्टॉप करा देंगे इस केस में कंडीशन क्या हो जाएगा जस्ट i ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 क्लियर नेक्स्ट वन इसके अलावा जस्ट परफॉर्म क्या होगा एवरी टाइम आई के रिस्पेक्ट में चेक करो आई में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आई डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है इसलिए यूज क्या करेंगे आई माइनस माइनस और पी के केस में फर्स्ट टाइम पी का वैल्यू क्या है 1 और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्या मिल जाएगा 2 देन नेक्स्ट टाइम 2 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो देन क्या मिल जाएगा 4 देन 4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाएगा 8 लाइक दैट तो इस केस में पी में जस्ट एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराओगे पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 2 क्लियर दिस इज द लूप लूप के अंदर जस्ट इसे एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए इसका रिजल्ट किस में असाइन करा लेंगे वेरिएबल डेसिमल में डेसिमल का इनिशियल वैल्यू क्या है 0 तो टोटल कितने वेरिएबल्स हैं डेसिमल आई एंड पी डेसिमल के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है जस्ट 0 आई के केस में क्या आसान हो चुका लेंथ माइनस 1 पी के केस में 1 तो डेसिमल के केस में फर्स्ट टाइम आसान क्या करा लेंगे डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ प्रीवियस टर्म्स प्लस गिवन एक्सप्रेशन तो यहां 3 के प्लेस पर यूज क्या कर लेंगे आई जस्ट एक्सप्रेशन क्या है बिन ऑफ सॉरी आई बिन ऑफ आई देन आई अपने आप में रिप्रेजेंट क्या करे कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजिट इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे सबट्रैक्ट कैसे कराओगे आस्की वैल्यू ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय पावर पी क्लियर देन इससे इस पर्टिकुलर लूप्स के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या हो रहा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन प्लस ये रिजल्ट किस में होल्ड हुआ वेरिएबल डेसिमल के अंदर नेक्स्ट टाइम आपको इसके जस्ट बाद एक बार एक कन्वर्जन परफॉर्म हुआ इस केस में बाइनरी नंबर क्या आएगा इसका सॉरी बाइनरी के इक्विवेलेंट डेसिमल क्या आएगा जस्ट 13 ऑलरेडी मैं इसको प्रीवियस केस में कैलकुलेट करा चुका हूं क्या आएगा 13 और जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या था 3 नेक्स्ट टाइम 2 नेक्स्ट टाइम 1 नेक्स्ट टाइम 0 देन फाइनली वैल्यू क्या चुका होगा 1 सिमिलरली पी के केस में फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 नेक्स्ट टाइम 2 नेक्स्ट टाइम 4 देन 8 देन 16 कंडीशन फॉल्स हो चुका है क्योंकि आई का वैल्यू क्या चुका -1 मैं ये लॉजिक ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लियर देन फाइनली आपको कंसोलिडेट क्या करना है नेक्स्ट टाइम मिस आपके पास अब रिजल्ट किस फॉर्मेट में बाइनरी टू डेसिमल अब इसे डेसिमल को कन्वर्ट किस में कराना है ऑक्टल तो नेक्स्ट टाइम लॉजिक किसके लिए प्रोवाइड करना है डेसिमल टू ऑक्टल तो करंटली डेसिमल वैल्यू क्या है आपके पास 13 और 13 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का वे क्या रहेगा जो भी 13 नंबर है इसको एवरी टाइम डिवाइड किससे कराएंगे बेस 8 से क्लियर बेस 8 से डिवाइड करने पर 2 रिमेंबर सॉरी प्लस 13 अवेलेबल किस में वेरिएबल डेसिमल में तो जब 8 से डिवाइड करोगे तो उस केस में 2 रिजल्ट जनरेट होगा रिमाइंडर और डिवीजन डिवीजन को मैं नीचे राइट डाउन करूंगा डिवीजन के मीन से 8 को 13 से डिवाइड करने पर सॉरी 13 को जब 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा ओनली 1 टाइम प्लस रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में 5 रिमाइंडर इज 5 प्लस इस रिमाइंडर को आप कॉपी किस में कर लोगे इनसाइड सेपरेट एरे कॉल्ड एज ऑक्टल क्योंकि रिमाइंडर इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन तो ऑक्टल के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैं एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर चुका हूं इज द ऑक्टल एरे इंडेक्स 0 1 2 3 4 तो फर्स्ट डिजिट रीड होने के बाद 5 असाइन किस प्लेस पर होगा जस्ट 0 इंडेक्स नेक्स्ट टाइम अगेन डिवाइड करेंगे 1 को तो 1 के केस में डिवीजन क्या आएगा 0 रिमाइंडर क्या आएगा 1 तो अगेन इसको ऑक्टल में असाइन कराओगे फर्स्ट टाइम 0 इंडेक्स में असाइन हुआ नेक्स्ट टाइम 1 में नेक्स्ट टाइम 2 एंड सो ऑन फाइनली जैसे ही इस केस में डेसिमल का वैल्यू या नंबर जो भी डेसिमल नंबर था इसका वैल्यू 0 हो जाएगा देन आप लूप को स्टॉप कर दोगे तो टर्मिनेशन कंडीशन के कब तक डिवीजन कब तक परफॉर्म होगा जब तक डेसिमल का वैल्यू 0 से बड़ा है प्लस इंडेक्स किस प्लेस से स्टार्ट हो रहा है 0 से नेक्स्ट टाइम 1 क्लियर फाइनली जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो इमीडिएटली स्पेस पर इनिशियलाइज क्या कराओगे नल तो नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराएंगे जस्ट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन तो अगेन फिर से लूप को इंप्लीमेंट करेंगे इस केस में लूप के रिस्पेक्ट में आई में आसान क्या कराओगे ऑक्टल एरे के इंडेक्स को मैनेज करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 इसलिए आई में क्या आसान हो जाएगा जस्ट 0 वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 0 अगेन प्रीवियस केस में आई का वैल्यू क्या था जस्ट -1 न्यू वैल्यू क्या आसान हो जाएगा अगेन 0
प्लस पावर की अब जरूरत नहीं है, तो इसलिए पावर को इस केस में इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट टाइम कंडीशन, ऑपरेशंस कब तक परफॉर्म कराना, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर, फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या था 13, 13 जीरो से बड़ा है, 13 इज ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट टाइम 1 भी जीरो से बड़ा था, लेकिन जीरो जीरो से बड़ा है क्या, नहीं, मीन्स इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। आपके प्रीवियस केस में कंडीशन कैसा था, ट्रू। एवरी टाइम जो भी डिजिट आ रहा फर्स्ट टाइम डिजिट, रिमाइंडर क्या मिला, 5 असाइन किस प्लेस पर कराओगे, ऑक्टल एरे के अंदर। ऑक्टल एरे के अंदर किस इंडेक्स में साइन होगा, आईथ इंडेक्स। आईथ इंडेक्स में साइन क्या करा लेंगे, जस्ट रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, लाइक दैट, डेसिमल मॉड्यूलो वाई डीबीएन किस हो रहा है, 8 से। क्लियर, लेकिन इस केस में जस्ट रिमाइंडर क्या आया, 5। लेकिन 5 इस केस में क्या है, डिजिट। और जबकि कैरेक्टर एरे यूज करें तो इस डिजिट को कन्वर्ट किस में कराना है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में। और किसी भी डिजिट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करें, इसको ऐड कैसे करा देंगे, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो। इस केस में जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको एवरी टाइम ऐड कैसे कराओगे, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो। चेक कर सकते हो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 5, और जीरो का आस्की वैल्यू क्या है, 48। 48 प्लस 5 इज 53, 53 इज नथिंग बट इट इज आस्की वैल्यू ऑफ 5। क्लियर, तो फाइनली इस प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा, 53। लेकिन 53 के इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ, 5 इन फर्स्ट केस। नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इसके जस्ट बाद, ये सभी आपने डिवीजन तो सॉरी रिमाइंडर तो कैलकुलेट करा लिया, लेकिन अभी डिवीजन कहीं स्टोर हुआ है क्या, 1 नहीं। देन डिवीजन के केस में जस्ट यूज क्या करेंगे, डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड किस बेस से कराओगे, जस्ट 8। डिवीजन किस हो रहा है, एवरी टाइम 8 से। देन आई के केस में नेक्स्ट टाइम एलिमेंट किस इंडेक्स में साइन होगा, 1। तो आई के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ, माइनस माइनस और प्लस प्लस, आई गॉट प्लस प्लस और आई गॉट इंक्रीमेंटेड बाई 1। तो आई में जब इंक्रीमेंट होगा इस केस में अगेन डेसिमल में कैसा हो जाएगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था, 13। 13 को 8 से डिवाइड करने पर डिवीजन कितनी बार होगा, 1 टाइम। तो और रिजल्ट किस में साइन होगा, डेसिमल, तो इसलिए डेसिमल का वैल्यू क्या होगा, 1। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगेन सेम ऑपरेशन, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या, 1। तो नेक्स्ट रिजल्ट आसान किस इंडेक्स में होगा, 1 इंडेक्स में, जबकि प्रीवियस केस में वैल्यू 0 था, इसलिए 0 इंडेक्स में असाइनमेंट परफॉर्म हुआ। डेसिमल का करंट वैल्यू क्या है, 1 मॉड्यूलो बाई 8। व्हाट इज द रिजल्ट, अगर 1 को 8 से डिवाइड कराओगे तो इस केस में जस्ट डिवीजन क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन किससे कराएंगे, 0 से। 0 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 0, क्या आएगा इस केस में, जस्ट रिमाइंडर इज 1, डिवीजन इज 0। डिवीजन क्या आएगा, 0। नेक्स्ट टाइम जब डिवीजन परफॉर्म कराएंगे 8 से, तो डिवीजन का रिजल्ट क्या आएगा, 0। आसान केस हो जाएगा, वेरी वेल डिवीजन में। दूसरा केस रिमाइंडर क्या है, 1, तो स्पेस पर रिप्लेस क्या हुआ, 1। 1 को ऐड किससे कराया, आस्की वैल्यू ऑफ 0। 0 के आस्की वैल्यू से ऐड कराओगे ना, आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली कैरेक्टर 1 का आस्की वैल्यू। ये पर्टिकुलर रिजल्ट आसान किस इंडेक्स में होगा, 1 इंडेक्स में। तो नेक्स्ट टाइम 1 इंडेक्स में कॉपी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, नेक्स्ट 1 अगेन परफॉर्म क्या हुआ, डेसिमल का रिजल्ट डिवीजन में ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, डेसिमल का वैल्यू क्या हो चुका है, 0। आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, 2। क्लियर, देन कंडीशन टेस्टिंग अगेन, डेसिमल का वैल्यू क्या है, 0। 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन बिकम्स फॉल्स। इन थर्ड केस कंडीशन फॉल्स हो चुका है, कंट्रोल कहाँ आएगा, आउटसाइड लूप। तो इस लूप के थ्रू परफॉर्म क्या हुआ, जस्ट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्लियर, दोनों ही कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कन्वर्जन के बाद रिजल्ट किस एरे में स्टोर हुआ, ऑक्टल एरे के अंदर। लेकिन एरे का टाइप क्या, कैरेक्टर एरे, मीन्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टर्मिनेट किस होना चाहिए, शुड बी टर्मिनेटेड बाई नल। इसके समय लूप के जस्ट बाहर नल किस इंडेक्स में साइन कराओगे, 2 में, नेक्स्ट इंडेक्स में। और नेक्स्ट इंडेक्स का वैल्यू किसके पास है, जस्ट वेरिएबल आई, आई का वैल्यू क्या है, 2। तो नेक्स्ट टाइम लूप के बाहर अगेन ऑक्टल ऑफ आई में साइन क्या करा लोगे, कैरेक्टर नल। क्लियर, फाइनली आपके पास वैल्यू क्या था, बाइनरी के केस में बात कर रहे हैं, बाइनरी वैल्यू क्या था, 1101 1101 इस केस में इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है, एज 13। 13 का इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या होता है, 15। लेकिन चेक कर सकते हो अभी करेंटली जो मैंने ऑक्टल एरे क्रिएट किया था, ऑक्टल एरे के अंदर फर्स्ट प्लेस पर क्या स्टोर था, 5, नेक्स्ट प्लेस पर 1 और नेक्स्ट प्लेस पर नल, 0 1 2। दिस इज द ऑक्टल एरे। आई के केस में आई का वैल्यू क्या था, एज 2। क्लियर,
इस ऑक्टल एरे में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या 15 की स्टोर किया 51। क्लियर मिस, अभी जस्ट जो भी ऑक्टल नंबर है रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है। अगर आपको 15 एक्चुअल ऑक्टल नंबर रिक्वायर्ड है तो उसके जो भी ऑक्टल एरे है ऑक्टल एरे के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हो रिवर्स ऑपरेशन। तो नेक्स्ट टाइम इस ऑक्टल एरे को रिवर्स करने के लिए कॉल क्या कराओगे STRREV सप्लाई क्या कराएंगे इस केस में जस्ट ऑक्ट। देन रिवर्स होने के बाद इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 and 5। दिस इज द एक्चुअल ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। यानी इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे रिटर्निंग रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स ऑक्टल और ऑक्टल वैल्यू किस एरिया में स्टोर है ऑक्टल एरिया में, इसलिए रिटर्न क्या कराएंगे ऑक्ट। दिस द कंप्लीट लॉजिक्स ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी इंटू इक्वेलेंट ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। देन इसके लिए जस्ट मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे मेन के रिस्पेक्ट में वॉइड मेन। मेन के रिस्पेक्ट में इनपुट किस फॉर्म में रीड कराओगे बाइनरी फॉर्मेट में, इसलिए यूज क्या करेंगे बाइनरी एरे समथिंग बिन विद मैक्सिमम साइज समथिंग 33। देन इसका एड्रेस मीन्स इससे रिटर्न क्या हुआ अगेन पॉइंटर ऑफ ऑक्टल एरे मीन्स कैरेक्टर एरे का पॉइंटर स्टोर कराने के लिए अगेन रिक्वायर्ड क्या हुआ पॉइंटर वेरिएबल समथिंग ओ रिप्रेजेंटिंग ऑक्ट। और बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट मैं एरे का नेम यूज कराऊँ ओनली बी। नेक्स्ट टाइम इनपुट्स को रीड कराएंगे यूजिंग स्कैन ऐप। तो स्कैन ऐप के केस में इनपुट्स में रीड क्या करना चाहते हैं ओनली बाइनरी डिजिट्स। तो बाइनरी डिजिट्स को रीड करने के लिए जस्ट मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ 01 और 021 0-1। तो इस केस में स्कैन ऐप फंक्शन कब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक या तो स्पेस ना मिल जाए या फिर 0 और 1 के अलावा कोई भी अदर डिजिट मिल जाए ऑटोमेटिकली रीड करना स्टॉप कर देगा। प्लस रीडिंग के बाद रिजल्ट और स्ट्रिंग के समय स्टोर कराना बाइनरी एरे बिन। देन उसके बाद जस्ट कॉल क्या करा लेंगे फंक्शन, फंक्शन नेम क्या बिन टू ऑक्टो बाइनरी टू ऑक्टल बाइनरी टू ऑक्टल। सप्लाई क्या करेंगे इसके इसमें बाइनरी प्लस रिटर्न क्या हुआ इससे ऑक्टल का बेस एड्रेस। देन डिस्प्ले करा लो यूजिंग पोर्ट्स ओ। क्लियर, इस टाइप से किसी भी बाइनरी नंबर को इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना पसंद है। फाइनली कन्वर्जन कैसा 2-स्टेप कन्वर्जन, सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ बाइनरी टू डेसिमल, नेक्स्ट केस में परफॉर्म क्या हुआ डेसिमल टू ऑक्टल। देखा जाए तो अगर आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर अवेलेबल है इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में डायरेक्टली भी कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट्स बाइनरी ऑक्टल के रिस्पेक्ट में बात करें ऑक्टल डिजिट्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 का बाइनरी 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन क्या है 0, 1 का 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन क्या है 0, 1, 0, 1, 4 के केस में क्या होगा 1, 0, 0, 1, 0, 1, 6 के केस में 1, 1, 0 and 1, 1, 1। तो इस केस में जस्ट 3 डिजिट्स के पेयर्स क्रिएट कराएं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट इस केस में खुद से कंसीडर कर लोगे 2 times 0। इस केस में 001 के इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट क्या है 1, 101 का इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट क्या है 5। तो इस केस में ऑक्टल वैल्यू क्या है डायरेक्टली 15। लेकिन इस टाइप का कन्वर्जन प्रोग्रामिंग के थ्रू डायरेक्टली परफॉर्म कराओ तो इस केस में कई सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल डायरेक्ट कन्वर्जन प्रोवाइड करके 2 स्टेप्स में कन्वर्जन कंप्लीट किया है।